फाइव सेकेंड, टू सेकेंड, रेडी। अर्थ में यदि स्वा लगा दिया जाए तो वह स्वार्थ हो जाता है जिसे अच्छा नहीं समझा जाता। वहीं यदि स्वा को अभिमान में जोड़ दिया जाए तो अभिमान का भाव नकारात्मक से सकारात्मक हो जाता है। वह स्वा यहाँ अनमोल है और हमें इसी स्वा अर्थात स्वयं के उच्च गुणों का मोल समझना है। जिस तरह किसी योद्धा के लिए शस्त्र धारण करने के साथ साथ अपने पास ढाल रखना भी आवश्यक है, उसी प्रकार प्रत्येक व्यक्ति को अपने सद्गुणों, ज्ञान और विद्या के साथ साथ अपने स्वाभिमान को भी रखना अनिवार्य है। तभी यह संसार उसके गुणों की महत्ता समझता है, अन्यथा उनका हश्र उन फलों की तरह होता है जिनका भार वृक्ष की असक्त शाखाएं सहने में अक्षम होती हैं। फलतः वे टूटकर गिर जाते हैं, भूमि पर धूल धूसरित कटे फटे फलों का कोई मोल नहीं होता। युवाओं से व्यापक बातचीत के दौरान यह भी उभर कर सामने आया है कि वे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी समेत पिछली पीढ़ी की कई विभूतियों को भी प्रेरणा स्पद प्रतीक के रूप में याद करते हैं। वे उनसे जुड़े अनेक वृत्तांतों को एक प्रतीक में बदलकर उन्हें आशा के स्रोत के रूप में अपने दैनंदिन जीवन में इस्तेमाल करते हैं। संवाद में शामिल युवाओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मेहनती, निर्णय लेने में सक्षम एवं देश को विकास के रास्ते पर आगे ले जाने वाले नेता के रूप में वर्णित किया है। अनेक युवा नरेंद्र मोदी को एक युग पुरुष के रूप में देखने लगे हैं। कई युवाओं ने इस पर भरोसा जताया है कि मोदी जी विकसित भारत की गढ़ को इस तरह से देख रहे हैं और वह भविष्य के भारत की नींव रख रहे हैं। उन्होंने अनुच्छेद 370 खत्म कर दिया जो एक समय संभव नहीं लगता था। राम जन्मभूमि स्थान पर मंदिर बनवा दिया। इसके अतिरिक्त भी युवाओं ने उनकी सरकार की कई उपलब्धियां गिनाई। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद ने परंपरागत ढर्रे को तोड़ते हुए बोर्ड परीक्षाओं के लिए इस बार कुछ नए कदम उठाए हैं, तो उम्मीद है कि इसके परिणाम सार्थक होंगे। हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा में नकल की रोकथाम हमेशा से चुनौती रहा है और इस बार भी है। इसीलिए इस बार बोर्ड ने थोड़ा सख्ती बरतने का निर्णय किया है जो शुचिता बनाए रखने के लिए आवश्यक भी है। वर्तमान समय में परीक्षा में सेंध का सबसे बड़ा खतरा इंटरनेट मीडिया से है और इसीलिए बोर्ड ने नकल निवारण अधिनियम के प्राविधानों का उपयोग करते हुए कोई भी प्रश्न पत्र वायरल करने को गैर जमानती
अपराध की श्रेणी में रखा है।